रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ कई मोर्चों पर एक साथ हमले कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आंकड़ा भी जारी किया है और उसने 10 दिनों में रूस के कितने सैनिक मार डाले हैं इसका दावा किया है इन आंकड़ों के जरिए। रूस के मुताबिक उसने 4 जून से 15 जून तक यूक्रेन के 7,500 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। रूस के मुताबिक इन सैनिकों में लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मरे सैनिकों की संख्या शामिल नहीं है। युद्ध में अब तक कितनों की मौत हुई है इसका पूरा हिसाब किताब अब सामने है। जितनी एजेंसियां हैं, जितनी सरकारें हैं, सबके अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जैसा कि रूस कह रहा है कि उसने 10 दिनों में 7,500 कई हजार लोग मारे हैं और जुलाई तक ये संख्या 30,000 के पास पहुंच जाएगी। युद्ध मैदान में रूस के सैनिकों की मौत की नई लिस्ट आ गई है। पुतिन के सिपाहियों की मौत का यह आंकड़ा ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है। लिहाजा रूस का रक्षा मंत्रालय का आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है कि रूस ने अब तक ज़ेलेंस्की के कितने सोल्जर मारे। रूस का दावा है कि सिर्फ 10 दिनों में यूक्रेन के 7,500 की सेना या तो मारी गई है या जख्मी हुई है। 4 जून से लेकर 15 जून तक की इस मौत की गिनती में लंबी दूरी के हथियारों से मारे जाने वाले यूक्रेन के सैनिकों की गिनती शामिल नहीं है। 10 दिन में 7,000 के हिसाब से आशंका जताई जा रही है कि रूस जुलाई तक यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को मार डालने के टारगेट लेकर चल रहा है। Украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории. महायुद्ध में मौतों के दावों की असलियत की पहचान बहुत मुश्किल काम है। इंटरनेट पर रूस यूक्रेन युद्ध में कुल मारे गए दोनों ओर के सैनिकों की तादाद कितनी है ये अलग अलग एजेंसियों के हिसाब से अलग अलग दिए गए हैं। लिहाजा हमने यहाँ सिर्फ रूस के सरकारी आंकड़े और यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है क्योंकि मौतों की तादाद ही युद्ध से विनाश की असली कहानी कहती है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। पहले तो जलते यूक्रेन को देख मुस्कुरा रहे रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का एक और बयान सुनिए। На временском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот вооруженных сил Украины при поддержке 4 танков и 11 боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены 4 танка и 7 боевых бронированных машин противника. ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक क्या शुरू होते ही फेल हो गया? रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की बात में कितनी सच्चाई है? इसकी पड़ताल किए बिना युद्ध में हुए रूस या यूक्रेन के नुकसान का सही हिसाब किताब निकाल पाना मुश्किल है। ये सच है कि गिरती मिसाइलें गोद नहीं सिर पहचानती है, दुश्मन के सिर, कलम कर दिए जाने वाले सिर। इन सिरों को सदा के लिए सुला देना है ताकि दोबारा दुश्मन सिर न उठा पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ताबूतों की गिनती उंगली पर नहीं हो सकती। एक रात में 1,000 सैनिकों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। ज़ेलेंस्की के तोपों से तबाह होते रूस के फौज की तस्वीरें इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। तो पुतिन के यूक्रेन पर भीषण हमले की तस्वीरें भी कम नहीं है। ताबूतों और कब्रिस्तान की अंतहीन रिपोर्ट इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी। सिर्फ 24 घंटे में ही यूक्रेन एयरफोर्स ने 14 जगहों पर स्ट्राइक किया। यूक्रेन की मिसाइल फोर्स और आर्टिलरी ने रूस के 13 ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 कमांड पोस्ट पर सीधा हमला बोला। 3 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को टारगेट किया। ज़ेलेंस्की जोरदार काउंटर अटैक कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। यकीन के लिए नाटो के जनरल सेक्रेटरी का बयान सुन लीजिए, क्योंकि जब तक नाटो है यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की को क्यों हो डरने की बात। Launched a counter-offensive. What we see is fierce fighting. It's still early days, but we also see that the Ukrainians are making gains and that Ukraine is able to liberate occupied land. This is due to the courage, the bravery, the skills of the Ukrainian soldiers. But it also highlights and demonstrates that the support NATO allies have been giving to Ukraine now for many, many months
actually makes a difference on the battlefield as we speak. So one of the main issues we will address is how to sustain and step up the support to Ukraine. ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक की पूरी फाइल खोलें। उससे पहले आपको यूक्रेन का रूस को बर्बाद करने वाला नया आंकड़ा देख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो पुतिन की चिंता बढ़ने वाली है। तबाही के ये यूक्रेन वाले आंकड़े रूस के भीतर पुतिन के खिलाफ जाते हैं। 7,667 टैंक, जिसमें 12 टैंक तो सिर्फ 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। इसके अलावा 3,793 आर्टिलरी सिस्टम, 604 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 364 एयर डिफेंस सिस्टम, 314 एयरक्राफ्ट, 301 हेलीकॉप्टर, 3,333 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 1,199 क्रूज मिसाइल, 18 वॉरशिप। चौंकाने वाली रिपोर्ट की डिटेल आगे। अभी तो रूस के उस दावे की पड़ताल जिसके मुताबिक 10 दिन में यूक्रेन के 7,500 सैनिक मारे गए। जवाब नेटो की तरफ से आया है। ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को फेल मानकर पुतिन चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि नेटो खुल्लम खुल्ला एक्शन में है। जिस शांति प्रस्ताव पर चीन तवज्जो चाहता है, नेटो उसे छिंदी छिंदी उड़ा चुका है। नेटो जो कह रहा है उसका मतलब यह है कि शांति की बात नहीं तब तक जब तक ज़ेलेंस्की के हाथ पुतिन के गिरेबान तक ना पहुंच जाए। We don't see any signs from President Putin, from Russia, that they are actually preparing for peace or any real negotiations. But at the same time, we know that the more ground Ukraine is able to gain through this counteroffensive, the stronger their hand will be at the negotiating table. And we also know that the more successful the Ukrainian counteroffensive is, the more likely it is that President Putin at some stage will realize that he cannot win this war on the battlefield. He has to sit down. Then when that will happen, how it will happen, no one can say that with certainty. But the only thing we know is that if we want a just and enduring peace, then we need to provide the military support to Ukraine. नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग इस वक्त अमेरिका में हैं, जिन्हें अमेरिका से बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीद है, जिसमें नंबर वन है खुद उनका पद पर बने रहना। नाटो के जनरल सेक्रेटरी का जनरल स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल इस साल सितंबर में समाप्त हो रहा है। स्टोल्टनबर्ग बीते 9 सालों से इस पद पर है और ऐसी चर्चा है कि उनका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जुलाई में लिथुआनिया में नाटो सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें स्टोल्टनबर्ग के कार्यकाल, यूक्रेन युद्ध और नाटो की एकजुटता को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। नाटो के रूस पर काउंटर अटैक के ज़ेलेंस्की के एक्शन को सपोर्ट करने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन साफ शब्दों में ज़ेलेंस्की के लिए फरमान जारी कर चुके हैं कि घबराना नहीं है, ज़ेलेंस्की को बस हमला करते रहना है। अमेरिका पूरी ताकत के साथ ज़ेलेंस्की के साथ है। इसी भरोसे पर तो ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो को नए हथियार भेजने की लिस्ट थमाई है। जो नहीं मिला तो ज़ेलेंस्की की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। नाटो का ज़ेलेंस्की को हर हाल में सपोर्ट करने का स्टैंड नया नहीं है, लेकिन जिस शक्ति के साथ यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया है, उसकी संख्या, उसकी बर्बादी की डिग्री और आगे होने वाले उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि नाटो के हथियार गोदामों से ज़ेलेंस्की के सिपाहियों के हाथ बंदूक की गोलियों तक पहुंचना जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त एक साथ कई मोर्चे पर जारी है। डोनेस्क में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। खेरसोन में ज़ेलेंस्की की सेना ने फिर से हमला किया है। ज़ापोरिज़्या में ज़ेलेंस्की की सेना लगातार अटैक कर रही है। लड़ाई मारियोपोल तक पहुंचने वाली है, क्योंकि ज़ेलेंस्की कोज़ोसी तक पहुंचकर फाइनली क्राइमिया पर अटैक करना चाहते हैं। इन काउंटर अटैक में ज़ेलेंस्की भले ही 100% सफल साबित नहीं हो रहे हों, लेकिन रूस के जान और माल का नुकसान तो हो ही रहा है। पुतिन सेना की भर्ती से इस कदर थके हुए हैं कि अब नई प्लानिंग पर काम चल रहा है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि रूस की संसद जल्द ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिसके तहत देश की जेलों में बंद कैदी यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस बिल को 2-3 दिनों में मंजूरी भी मिल सकती है। अगर ये बिल पास हो गया तो मोर्चे पर सैनिकों के साथ कैदी भी युद्ध लड़ते हुए दिखेंगे। जिन कैदियों को जंग में भेजा जाएगा उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। इनमें सजायाफ्ता कैदियों के अलावा वो कैदी भी शामिल होंगे जिनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है। हालांकि जिन कैदियों पर यौन अपराध, देशद्रोह या आतंकवाद के आरोप हैं, उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजा जाएगा। पुतिन की सेना को नुकसान जिस लेवल पर उठाना पड़ रहा है, उससे रूस की चिंता बढ़ी हुई है और पुतिन के पास इसे तत्काल रोकने का कोई विकल्प भी नहीं है। ज़ेलेंस्की को वेस्टर्न वर्ल्ड से जितने नए हथियार मिल रहे हैं,
उनसे सिर्फ रूस के सैनिक नहीं मारे जाएंगे बल्कि बदले में रूस यूक्रेन के सैनिकों को भी मारेगा और इस चपेट में यूक्रेन का आम आदमी भी आएगा जो ज़ेलेंस्की की युद्ध के जिद और पुतिन के प्रचंड प्रहार के बीच कांप रहा है।